हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ सुपर 8 का अपना पहला मुकाबला जो है वो जीत लिया, लेकिन इस जीत की खुशी में चार सवाल या फिर चार खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको लेकर टेंशन बनी हुई है, और ट्रॉफी जीतने के लिए इन चार खिलाड़ियों का फॉर्म में लौटना या फॉर्म दिखाना बहुत जरूरी रहेगा, नहीं तो 11 साल से चले आ रहा सूखा जो है वो खत्म नहीं हो पाएगा। एक एक करके इन चारों खिलाड़ियों की बात करते हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा, टीम इंडिया के कैप्टन रोहित शर्मा इस मुकाबले में एक बार फिर फ्लॉप रहे। रोहित ने 13 गेंदों में एक चौका जमाकर सिर्फ 8 रन बनाए। वो तीसरे ओवर में खराब शॉट खेलकर कैच आउट हुए। रोहित यूएसए के खिलाफ 3 और पाकिस्तान के खिलाफ 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। रोहित बाएं हाथ के गेंदबाजों के खिलाफ ही इस टूर्नामेंट में आउट हुए हैं। ये परेशानी उनकी पुरानी है। 24 बार T20 आए में वो लेफ्ट आर्म पेसर का शिकार जो है बन चुके हैं। अब दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं, उनका नाम है विराट कोहली, जिनका बल्ला नहीं चल रहा। ओपनिंग करने आए विराट कोहली भी इस मुकाबले में फ्लॉप साबित हुए। कोहली ने 24 गेंदों पर सिर्फ 24 रन बनाए, वो सिर्फ एक छक्का लगा सके। कोहली को राशिद ने 9वें ओवर में शिकार बनाया। बाउंड्री के पास मोहम्मद नबी ने उनका कैच पकड़ा। विराट इससे पहले यूएसए के खिलाफ 0, पाकिस्तान के खिलाफ 4, आयरलैंड के खिलाफ सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। विराट सबसे बेस्ट बैटर हैं टीम के, उनका फॉर्म में लौटना बहुत जरूरी है। शिवम दुबे की बात करते हैं, तीसरे खिलाड़ी जिनको लेकर टेंशन बनी हुई है। शिवम दुबे की फॉर्म को लेकर जो है टीम इंडिया की चिंता शुरुआत से ही थोड़ी बढ़ी हुई थी। दुबे पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। आयरलैंड के खिलाफ 2 गेंदों में एक भी रन वो नहीं बना पाए। हालांकि उन्होंने थोड़ी बहुत फॉर्म जो है यूएसए के खिलाफ दिखाई, जहां नाबाद 31 रनों की उन्होंने पारी खेली। थोड़ी सी पारी जो है उतनी फ्री फ्लोइंग नहीं थी, ग्लिचेस थे, मगर फिर भी रन तो रन होते हैं। लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ ठीक ठाक पिच पर स्पिन के सामने बेबस होना लोगों को परेशान कर गया। दुबे को अब वो करना होगा जिसके लिए उन्हें टीम में रखा गया, टीम में शामिल किया गया। चौथे खिलाड़ी, आखिरी खिलाड़ी जिनको लेकर टेंशन बनी हुई है थोड़ी बहुत, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में 5 गेंदों में एक चौका ठोककर 7 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान के खिलाफ वो बिना खाता खोले ही आउट हो गए थे। हालांकि जडेजा ने अफगानिस्तान के बल्लेबाज अजमतुल्ला उमरजई का विकेट चटकाकर वर्ल्ड कप में अपना खाता खोल लिया। उन्होंने 3 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट चटकाया। इन खिलाड़ियों को बेहतर खेल दिखाना होगा अगर टीम इंडिया को दोबारा से ट्रॉफी उठाने का सपना सच करना है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, ये एनालिसिस पसंद आया हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और स्पोर्ट्स लाइन को सब्सक्राइब कर लीजिए।